गुप्त सूचना पर सोमवार की देर रात कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के भरसिया गांव वार्ड संख्या 9 में खादरी बेगिंग का निर्माण हो रही एक फैक्ट्री का उद्भेदन फलका पुलिस व कृषि पदाधिकारी ने किया। यहां भरसिया गांव के चुन्नू महलदार के घर इफको 20-20-13 व सोना NP के खाद तैयार होने का गोरख धंधा चल रहा था। वहीं फलका पुलिस ने इस सिलसिले में 115 बोरा सीलबंद इपको खाद व 3 बोरा खुला खाद सोना NPK 30 बोरा के अलावा इफको 20-20-13 का 186 बोरा खाली व सिलाई करने वाला मिशन व खाद निर्माण में उपयोग आने वाला सारा सामान जब्त कर थाना लाया गया। आप नहीं कर रहे थे? नहीं, हम घर पर हो रहा था। हमारा घर पर दो बार खाद लाया, बोला कि उझलो, इसमें उझल के फिर सिलाई मारेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चुन्नू महलदार, 10% बोरी। साला क्या नाम है? उमेश। क्या नाम दे दो? कौन? मनोज जी। मनोज जी। मनोज कौन है? मनोज कृष्णा फर्टिलाइजर का वही करवा रहा था जी। तो आप लोग को लगता नहीं था कि ये काम जो है हम गैर कानूनी काम है? हमको रात रात मजदूरी देता था। कृष्णा फर्टिलाइजर पर पहले भी केस हो चुका है? उतना पता जानकारी हमको नहीं। मजदूरी क्या मिलता था आप लोग को? 800 पर डे नाइट। लोकल में भरसिया का भी कोई है? नहीं। कल जो वहाँ रिबेगिंग हो रहा था वहाँ कौन कौन था? कोई नहीं था। भरसिया कोई नहीं। वही मौके पर फलका पुलिस ने चुन्नू महलदार व उसके पुत्र जीतन कुमार महलदार ग्राम भरसिया तथा उमेश महलदार ग्राम मोहजान को भी गिरफ्तार किया है तथा कृषि पदाधिकारी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश में जुट चुके हैं। ग्रामीणों की सूचना मिलने पर फलका थाना अध्यक्ष उमेश पासवान, अनिल कुमार, प्रभारी कृषि पदाधिकारी राम पुकार पासवान, कृषि समन्वयक संजीव कुमार सिंह, मनकेश्वर कुमार भरसिया ग्राम स्थित फैक्ट्री स्थल पर पहुंचकर नकली खाद समेत खाद पैकिंग वाला खाली बोरा, सिलाई मशीन व नकली खाद निर्माण सामग्री आदि जब्त कर लिया। मामला है यहाँ पर, ये भरसिया पंचायत का वार्ड 7 का मामला है जी। और हम लोगों को जैसे खबर मिली कि यहाँ पर ऐसा सा धंधा हो रहा है और पुलिस रेड मारी है जी। हम लोग आए और देखे जिस हिसाब से यह मामला है, किसान का क्या होगा? ऐसे 1400 ब्लैक मार्केट में मिल रहा है, खाद नहीं अवेलेबल है, आदमी क्या करेगा? क्या हो रहा था यहाँ पर खाद का? और यहाँ पे यह सारा डुप्लीकेट खाद है। कहाँ पर ये हो रहा है? जी भरसिया वार्ड 7 में। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? सुनते हैं बहुत बड़ा बात। अभी बात आ रही है कि यहाँ पे 3-4 गिरफ्तारी हुई है जी। जो फलका पुलिस द्वारा जी छापेमारी में, उसमें एक चुन्नू महलदार है और जो लोग भी है उसके बारे में हमको कोई ज्ञात नहीं है। क्या होना चाहिए किसान के? इसमें एक बहुत ही मजबूत और ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि किसान को भी संतुष्टि मिले कि जो डुप्लीकेट खाद है उस पर रोक हो और जो ऐसा कर रहे हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवाज करीम, भरसिया। क्या है यहाँ पर, क्या मामला है? नकली खाद का फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है? नकली खाद का हम तो आए तो वही देखे, नकली खाद का उद्भेदन हो रहा है, सील पैक हो रहा है। कहाँ हो रहा था ये? ये चुन्नू महलदार के घर में। चुन्नू महलदार के घर में कितना दिन से चल रहा था ये? सर ये बात हमको जानकारी नहीं है कितना दिन से चल रहा था। कितना बैग पकड़ा गया है लगभग? 118 बैग सील पैक है, 30 बैग वो डुप्लीकेट है। यानी सारा तो डुप्लीकेट का ही खेल हो रहा था। ओरिजिनल जो बनाया आप भी यहाँ किसान हैं जी, तो आप लोग भी तब नकली खाद का इस्तेमाल करते होंगे? हाँ, तो जानकारी तो यही हुआ थी, नकलिए ना है सब। क्या होना चाहिए इस पर? इस पर क्या होना चाहिए? कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश प्रसाद यादव। घर भरसिया। क्या है, कितना पैकेज फुल हो पाया? और किस तरह से बनाया गया? मैं अपना परिचय देता हूँ, है ना। मैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी कोरा फलका अतिरिक्त प्रभार। हम लोगों को जानकारी मिली ग्रामीणों द्वारा कि चुन्नू महलदार है भरसिया में, उसके यहाँ नकली खाद का मिलावट किया जा रहा है, रीसीलिंग किया जा रहा है। तो इस आधार पर हम थाना अध्यक्ष को, हल्का को हमने सूचना दिया फोन से, तो गश्ती के दल द्वारा
और थाना के पुलिस बल वहाँ पहुँचे जहाँ पर वो किया जा रहा था। उसमें उसके पास एक सोना खाद करके एनपीके सोना था जिसको वह पलट करके इफको को री पैक मतलब कि पैक किया जाता था। हाँ मनी सोना खाद को इफको बनाया जाता था। एनपीके सोना खाद को वह इफको का एनपीके में रीबैगिंग कर रहा था, इसमें से पल्टी करके है ना, और पुनः उसका रीबैगिंग सिलाई मशीन से करके ऊंचे दाम पर बेचने के लिए, सस्ती खाद ऊंचे दाम पर बेचने के लिए रीबैगिंग का काम लोग कर रहे थे। जिस क्रम में पुलिस बल और जो ही मैं सूचना दिया थाना को, थाना का गश्ती दल पुलिस बल पहुँचे और लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया। कुल कितने लोग की गिरफ्तारी होता है? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ नकाब ये यहाँ के कुछ कोढ़ा के नाम आ रहा है जो नहीं, इस संबंध में तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो पुलिस अनुसंधान होगी, प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और इसके बाद जब पुलिस अनुसंधान होगी तो विस्तार रूप से उनसे बयान लिया जाएगा। उस क्रम में किसी का इसमें जो है कोई नकाब पोसे उसका नाम आ सकता है। फिलहाल हम इस संबंध में कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो पुलिस अनुसंधान में ही यह बात की खुलासा हो सकती है। कुल कितना बैग सर बरामद हुआ है उनके घर से? उसमें जो है लगभग सील बंद बोरा 115 बैग है, सील बंद बोरा एनपीके के सील बंद बोरा 115 बैग है और इफको के एनपीके के सील खुला हुआ। मामले में कृषि पदाधिकारी राम पुकार पासवान के आवेदन पर कांड दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुके हैं। ये थी हमारे संवाददाता चंदन कुमार चौधरी की रिपोर्ट कटिहार बिहार से।